हाय गाइस, दिस उत्कर्ष श्रीवास्तव। मैंने लास्ट लेसन के एंड में थ्रोस कीवर्ड के बारे में बात करते समय चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन का नाम लिया था। तो इस लेसन में हम चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया था पहले, जावा में हर एक्सेप्शन और एरर की क्लासेस बनी हुई हैं, और उन सारी एक्सेप्शन और एरर की क्लासेस को पहले इकट्ठा किया गया और फिर उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक को नाम दिया गया चेक्ड एक्सेप्शंस और दूसरे को नाम दिया गया अनचेक्ड एक्सेप्शंस। चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन कोई क्लासेस नहीं है, ये दो थ्योरेटिकल नाम दिए गए हैं उन दोनों ग्रुप्स को। तो चेक्ड एक्सेप्शंस क्या हैं? चेक्ड एक्सेप्शंस आर फोर्स्ड बाय द कंपाइलर आइदर टू बी प्रॉपरली मैनेज्ड और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। दे रिप्रेजेंट सच एरर विच मस्ट बी नोटिफाइड टू द इनवोकर। यानी कि अगर आपका मेथड कोई ऐसा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है दो जो चेक्ड एक्सेप्शन के ग्रुप में आते हैं, तब आपको मेथड के सिग्नेचर में थ्रोज लगा के उस एक्सेप्शन का नाम लिखना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कंपाइलर आपके मेथड की स्टेटमेंट जब कंपाइल कर रहा होगा, तो वहां जब थ्रो वाली स्टेटमेंट देखेगा, वहीं पे एरर जनरेट कर देगा कि एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। यानी कि या तो आप एक्सेप्शन को उस मेथड में हैंडल करें, उसे थ्रो ना करें, और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन यानी कि या तो आप उसे थ्रो करना चाहते हैं तो डिक्लेयर करके थ्रो करें, यानी थ्रोज लगा के इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएं। तो अगर आपका मेथड ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, तो आपको उस मेथड को कॉल करते समय ट्राई कैच ब्लॉक या फाइनली ब्लॉक में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट हैंडल करने जरूरी हैं। दूसरा कैटेगरी आ जाती है अनचेक्ड एक्सेप्शंस की। अब अनचेक्ड एक्सेप्शन समझ में आता ही है, वो इसके उल्टे होंगे। यानी कि आपको अगर आप इस टाइप का कोई भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट या एरर का ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं, उस केस में मेथड सिग्नेचर में थ्रोज लगा के उनका नाम लिखना मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। कंपाइल टाइम एरर उस समय नहीं आएगा, मगर एज अ प्रोग्रामर आपको नोटिफाई करना चाहिए। ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। फिर अगर आप इस मेथड को कॉल करना चाह रहे हैं, तो आपको ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक में भी लिखना जरूरी नहीं है। ना भी लिखें, थ्रो हो भी रहा है तब भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के दो ग्रुप बने हैं जावा में। अब देखते हैं कि कौन सी क्लासेस एक्सेप्शन वाले अनचेक्ड एक्सेप्शन में है और कौन सी चेक्ड एक्सेप्शन में है। मुझे नेट पे एक ये इमेज मिली तो मैं इसका ही इस्तेमाल करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक थ्रोएबल क्लास है, उसे दो क्लासेस एक्सटेंड करती हैं, एक एक्सेप्शन और एरर। एक्सेप्शन के अंदर ये सारी सब क्लासेस हैं और एरर के अंदर ये सारी सब क्लासेस हैं, यानी ये उन्हें एक्सटेंड करती हैं। इस डायग्राम में जो भी सब क्लासेस हैं रन टाइम एक्सेप्शन की, वो सारी अनचेक्ड एक्सेप्शन में आती हैं, और ये राइट हैंड साइड वाला ब्लॉक पूरा का पूरा जो एरर वाला पार्ट है वो सारा अनचेक्ड एक्सेप्शन में आता है। तो जो भी क्लासेस बच गई वो सारी आ गई चेक्ड एक्सेप्शन में, यानी ये वाला हिस्सा। और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, मगर इस डायग्राम में कमी दिखाई गई है। सारी दिखाने का कुछ खास मतलब भी नहीं बनता। ये बेसिकली मोर कॉमन एक्सेप्शन या एरर्स हैं। तो इस तरह से डिवाइड क्यों किया गया है क्लासेस को? अनचेक्ड एक्सेप्शन में रन टाइम एक्सेप्शन की सब क्लासेस इसलिए हैं क्योंकि ये सारे वो एरर एक्सेप्शंस हैं जो प्रोग्रामर की किसी गलती से हुए हैं या फिर यूजर के किसी इनपुट की गलती से हुए हैं। तो इस केस में कोई ऐसा मैनेज करने की जरूरत नहीं समझ में आती है, क्योंकि जैसे आप देखिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन है यहां पे, ये डिवाइड बाय जीरो है,
तो डिवाइड बाय जीरो कोई ऐसा एक्सेप्शन, बड़ा एक्सेप्शन नहीं है जिसे आपको हैंडल करना ही चाहिए, और उसे ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना मैंडेटरी है उस मेथड को जब भी आप कॉल कर रहे हैं। तो इसीलिए रन टाइम एक्सेप्शन को एक तरह से अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाला गया है। अब एरर्स को अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में क्यों डाला गया है? क्योंकि ये वो सारे एरर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये जेआरई के एरर हैं। स्टैक ओवरफ्लो एरर, या आपके सिस्टम की फॉल्ट है कि आपके स्टैक ओवरफ्लो हो गया है, वर्चुअल मशीन एरर यानी जेआरई का एरर। तो ये सारे वो एरर्स हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप इसे क्या मैनेज करेंगे? तो अगर आप इसे मैनेज ही नहीं कर सकते, तो इसे ट्राई कैच या थ्रो या थ्रोज करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब बाकियों को चेक्ड एक्सेप्शन में डाला गया है क्योंकि ये मैनेजेबल है और इन्हें मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली कीवर्ड के बारे में मैंने कुछ बेसिक बात कही थी जब मैंने ट्राई कैच का एग्जाम्पल डिस्कस किया था। उसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। फाइनली ब्लॉक, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो कोई ऐसे टास्क करने के लिए बना है कि अगर आपका एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर ट्राई की पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, तो कुछ भी हो जाए, फाइनली अगर ब्लॉक है ट्राई के साथ लगा हुआ, तो फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तब कुछ चीजें हो जाती हैं, अगर इतना ज्यादा फोकस है फाइनली पे कि फाइनली एग्जीक्यूट होना ही होना है, तो कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं और कुछ चीजों का ध्यान भी देना पड़ेगा अगर आपको फाइनली का इस्तेमाल करना है। तो वो क्या है? वो इंस्ट्रक्शंस जो या तो रिटर्न स्टेटमेंट है या कोई थ्रो है कर रहे हैं आप एक्सेप्शंस, उन्हें फाइनली में ज्यादातर नहीं लिखना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर मेथड एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है या तो एक ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो अगर आपने ट्राई में भी कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है और कैच में भी कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है और फाइनली में भी कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है, तो अगर आप कॉमन सेंस से सोचें, तो कंपाइलर जब आपके कोड को कंपाइल करेगा, तो वो तीन रिटर्न स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, उसे एक करनी है। अब वो इसमें से कौन सी करेगा? फाइनली वाली ही करेगा, क्योंकि फाइनली के साथ एक ऑब्लिगेशन है कि फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ट्राई ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, गारंटी नहीं है, क्या पता एक्सेप्शन आ जाए, रिटर्न स्टेटमेंट तक कोड पहुंचे ही ना। कैच ब्लॉक का पूरा ही एग्जीक्यूट होने की कोई गारंटी नहीं है, मगर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होने की गारंटी है, इसलिए फाइनली ब्लॉक वाला रिटर्न स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा। ट्राई कैच में आप रिटर्न स्टेटमेंट लिख दें, उसको कंपाइलर नेग्लेक्ट कर देगा एक तरह से। रन जब हो रहा होगा आपका कोड, तो वो रिटर्न वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी एक ढंग से, अगर आप देखें तो केवल फाइनली वाली रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। थ्रो के केस में भी वही बात आ जाती है, जैसे रिटर्न एक वैल्यू होती है, थ्रो भी एक एक्सेप्शन होता है, तो उस केस में फाइनली वाला थ्रो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ट्राई कैच में अगर आप लगा देंगे थ्रो, वैसे ट्राई में तो थ्रो आएगा नहीं, कैच में अगर आपने थ्रो लगाया है, तब वहां पे एक्सेप्शन थ्रो फाइनली वाला ही होगा, कैच वाला नहीं होगा। अगर आपने ट्राई में भी मान लीजिए कोई खुद का एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया हो जो जेआरई नहीं बना रहा है, ट्राई न्यू एरिथमेटिक एक्सेप्शन मान लीजिए, थ्रो न्यू एरिथमेटिक एक्सेप्शन एक स्टेटमेंट है आपके ट्राई के ब्लॉक में, तो वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर फाइनली में आप कोई एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑब्लिगेशंस है, अगर आपको फाइनली का इस्तेमाल करना है तो आपको इन चीजों का ध्यान देना चाहिए कि फाइनली ब्लॉक में अगर आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी है, तो इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा। तो इसीलिए फाइनली में रिटर्न और थ्रो की स्टेटमेंट्स को अवॉइड किया जाता है। तो हम नेक्स्ट लेसन से अब खुद के एक्सेप्शन बनाने सीखेंगे, यानी कस्टम एक्सेप्शंस की बात करेंगे।